हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमने उसके तीन टाइप देखे, पहला स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा सीम वेल्डिंग और थर्ड जो था वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग था। तो गेट एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मेनली स्पॉट वेल्डिंग के ऊपर आते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग के न्यूमेरिकल्स किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं और उसके कुछ न्यू गेट की जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करके बताएंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमने जो दी है वो गेट 2008 पाई जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का होता है वो प्रॉब्लम हमने ली है। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम एक बार पूरी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, क्या क्या गिवन है उसमें वो देखेंगे और क्या उसमें फाइंड आउट करना है उसे देख हम जाएंगे, उसके बाद फिर हम उसे सॉल्व करना चालू करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हम पहले रीड करते हैं। एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स ऑफ 2 मिलीमीटर थिकनेस आर जॉइंट टुगेदर बाय रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 6000 एम्पियर फॉर 0.15 सेकेंड। द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग एल्यूमिनियम इज 2.9 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। The diameter and the thickness of weld nugget are found to be 5 mm and 2.5 mm respectively. Assuming the electrical resistance to be 75 micro ohm, the percentage of total energy utilized in forming the weld nugget is. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या-क्या दिया हुआ है? Aluminium strips of 2 mm thickness, मतलब जो aluminium की स्ट्रिप दी हुई है हमें जिसकी थिकनेस 2 मिलीमीटर की है, एक प्लेट की थिकनेस 2 मिलीमीटर की है, एक स्ट्रिप की थिकनेस, उन दोनों को रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है बाय अप्लाइंग एन करंट, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है उसको 6000 एम्पियर का, कितनी देर के लिए? 0.15 सेकेंड के लिए। और जो इसमें एल्यूमिनियम को मेल्ट कराने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो गिवन है 2.9 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। उसका डायमीटर एंड थिकनेस दिया है वेल्ड नगेट का जो कि 5 मिलीमीटर डायमीटर है और 2.5 मिलीमीटर इसकी हाइट है, थिकनेस है। एज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 75 माइक्रो ओम दिया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग द वेल्ड नगेट, मतलब कि वेल्ड नगेट फॉर्म करने में हमने कितने हीट को यूटिलाइज्ड करा उसका परसेंटेज निकालना है, मतलब मेल्टिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी को पहले हम इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमें पहले क्या क्या गिवन है वो यहाँ पर लिख लेना है। सबसे पहले हमें करंट दिया है 6000 एम्पियर करंट, टाइम दिया है 0.15 सेकेंड, उसके बाद मेल्टिंग हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग मतलब एचएम दिया है 2.9 जूल पर मिलीमीटर क्यूब, डायमीटर दिया है नगेट का 5 मिलीमीटर और इसकी जो थिकनेस है इसको हम एच एन लिखते हैं हाइट, वो दी है 2.5 मिलीमीटर। उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस दिया है हमको 75 माइक्रो ओम, तो हम माइक्रो को 10^-6 ओम लिखते हैं। ऐसा यूनिट लिखते समय हमें इस टाइप से लिख लेना चाहिए ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो हम तुरंत यहाँ से उठा के सेम वैल्यू रख देंगे। अगर हम न्यूमेरिकल जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और अगर हमने यहाँ पर माइक्रो ओम लिख दिया तो कई बार ऐसा होता है कि हम 75 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो उसमें कई बार गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर माइक्रो है या किलो जूल है ऐसा है तो हम यहीं पर यूनिट लिखते समय कर देंगे, गिवन क्वांटिटीज लिखते समय। तो हमें जो सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। हमें मेल्टिंग एफिशिएंसी निकालना है। मेल्टिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है HM/HS, मतलब हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अपॉन हीट
हीट सप्लाइड, तो हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें हीट सप्लाइड फाइंड आउट करना है। तो हीट सप्लाइड करने के हमने दो फोर्स लिखे थे, जो एचएस है वो एक एचएस होता है, एक एचएस हो जाएगा आई स्क्वायर आरटी, और दूसरा एचएस हो जाता है बी आई अपॉन बी ए एरिया इनटू मेल्टिंग हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एचएम हमको जो दिया है वो जूल पर मिलीमीटर क्यूब में दिया है, इसका मतलब ये है कि हमें पूरा जो वेल्ड नगेट है, ये यहाँ पर जो पूरा वेल्ड नगेट है, नगेट बनेगा, तो उसके पूरे वॉल्यूम का हमें, इस पूरे वॉल्यूम का यहाँ पर एक हाइट थिकनेस दी है एच एन, पूरी डायमीटर दिए डी एन, तो इसके हमें पूरा ये जो वॉल्यूम है इस ये पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो टोटल एच एन है वो कितना है इस पूरे वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, डी कितना है 5 मिलीमीटर इंटू 2.5 एच एम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2.5 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 49.08 मिलीमीटर क्यूब। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.9, तो ये हमें टोटल एचएम आ गया, टोटल एचएम इक्वल टू कितना हो गया 142.35 जूल, ये हमें एचएम मिल गया। एचएस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, एचएस इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर है 6000 एम्पीयर, आई ए 6000 एम्पीयर इंटू आर जो है वो 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम इंटू टी जो है वो 0.15, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 6000 स्क्वायर इंटू 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.15, तो ये आ गया 405 जूल। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 142.35 जूल डिवाइड बाय 405 जूल, 142.35 डिवाइड बाय 405, तो ये हो जाएगा 0.35 का आंसर आ रहा है, तो मतलब मेल्टिंग एफिशिएंसी जो जाएगी 35.14 है, तो ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि हमें परसेंटेज निकालना था टोटल एनर्जी यूटिलाइज इन फॉर्मिंग द वेल्ड नगेट, वेल्ड नगेट बनाने के लिए जो टोटल परसेंटेज टोटल एनर्जी का जो परसेंटेज था वो हमें फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो गिवन थिंग्स थी हमने गिवन थिंग्स लिख ली, उसके बाद यूनिट को भी हम देख कर चलेंगे, यूनिट लिखते समय ध्यान रखना है हमें, उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया कि हमें कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत है, वह फॉर्मूला हमने लिख लिया, उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हमें निकालना है और क्या क्या गिवन है उसको देख कर हमने ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करा और फिर उसमें वैल्यू पुट अप कर दी, तो एचएम जो था वो हमें मिलीमीटर पर यूनिट मिलीमीटर वॉल्यूम के लिए दिया था, तो हमने उसका टोटल फुली फाइंड आउट करके टोटल हीट निकाल ली और फिर उससे इस फॉर्मूले में लिख दिया, तो हमें मेल्टिंग एफिशिएंसी मिल गई। तो ये एक प्रॉब्लम हुई, अब हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कि प्रॉब्लम पढ़ते हैं, पहले क्या दिया है, टू स्टील शीट्स ऑफ 1.5 मिलीमीटर थिकनेस आर स्पॉट वेल्डेड इन ए लैप जॉइंट विद अ करंट ऑफ 1000 एम्पीयर फॉर 0.2 सेकंड, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट इज 100
microohm. Electrodes of dia 5 mm are used. The latent heat of melting is 1200 kJ per kg and density of metal is 8000 kg per meter cube. What is the percentage heat lost to the surrounding? तो यहाँ पर हमको percentage निकालना है कि surrounding में कितनी heat lost हुई है, उसका percentage निकालना है. तो हम जानते हैं कि percentage कैसे निकालते हैं और heat lost का percentage निकालना है. Percentage of heat lost, percentage of heat lost to the surrounding. तो ये कैसे निकलेगा, जो टोटल हीट है मतलब हीट सप्लाई, उसमें से हमने जितनी यूज कर ली, हीट सप्लाई माइनस एच, मतलब हमने जो हीट यूज्ड कर ली उसको छोड़ के जितनी भी हीट जो है वो सराउंडिंग में गई है उससे हम टोटल हीट को सप्लाई कर देंगे तो हमें उसका परसेंटेज मिल जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर हमें बस HS और HM निकालना है, उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या है. यहाँ पर एक चीज हमें देखना है कि ये जो 1.5 मिलीमीटर थिकनेस दी है ये शीट की दी है, टू शीट दी है जिसकी थिकनेस 1.5 मिलीमीटर है. तो इसमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की थिकनेस दी हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पर एक शीट की थिकनेस दी हुई है, टू स्टील शीट्स ऑफ 1.5 मिलीमीटर थिकनेस, मतलब दो स्टील की शीट है जिसकी थिकनेस 1.5 मिलीमीटर, मतलब एक प्लेट की थिकनेस 1.5 मिलीमीटर है. तो हमें यहाँ पर HN नहीं दिया है, जो हाइट रहती है वह नहीं दिया है. ये देखिए इसमें यहाँ डायमीटर हमको इसमें गिवन है, डायमीटर DN इक्वल टू 5 मिलीमीटर हमें गिवन है, लेकिन HN नहीं दिया. तो HN हम क्या करेंगे, इसमें आइडियल केस मान के ये देखेंगे कि इसमें इंडेंटेशन नहीं हो रहा है, पूरी जो लेंथ है ये पूरी थिकनेस है स्ट्रिप्स की उनके अक्रॉस वेल नगेट फॉर्म हो रहा है. तो ये जो HN हो जाएगा हमारा, HN इक्वल टू 2×2 थिकनेस हो जाएगा, मतलब 3 मिलीमीटर. तो यहाँ पर हमें HN लिख लेंगे 3 मिलीमीटर. उसके बाद हमें करंट दिया है, I दिया है कितना 1000 एम्पीयर, टाइम दिया है 0.2 सेकेंड, रेजिस्टेंस दिया है हमें 100 माइक्रोम. उसके बाद डेंसिटी दी है रो 8000 केजी पर मीटर क्यूब, बस और कुछ तो नहीं दिया है हमें, बस हमें इतनी चीज दी हुई है. तो हम इससे HS और HM फाइंड करना है. तो HS का तो सिंपल फॉर्मूला है I²RT, इससे हम HS निकाल लेंगे. HM निकालने के लिए हमें यहाँ पर HM हमें निकालना है, हमें देखना है कि हम HM कैसे निकालेंगे. यहाँ पर लेटेंट हीट दी हुई है, लेटेंट हीट इक्वल टू है 1200 क्लोजूल पर केजी, क्लोजूल पर केजी लेटेंट हीट दी है. तो यहाँ पे हमें HM निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, MC डेल्टा T टेम्परेचर प्लस N एज, मतलब मास इनटू लेटेंट हीट. तो हमें यहाँ पर मास नहीं पता है, तो पहले हम मास निकालेंगे. मास निकालने के लिए हमें डायमीटर और वॉल्यूम की हाइट की जरूरत पड़ेगी. तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई बाय 4 डायमीटर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इनटू 3. यहाँ से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा 5 × 5² × 3/4. इसका ये वॉल्यूम आ गया 58.90 मिलीमीटर क्यूब. तो मास
इक्वल टू कितना आता है, रो रोड वी, रो हमको दिया है 8000, लेकिन ये हमें मीटर में दिया है तो हमें इसको मिलीमीटर में करना पड़ेगा, तो हम इसे 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 58.90 इनटू 8000 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9, तो ये हमें मास मिल गया, मास इक्वल टू 4.71 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 kg, ये हमें मास मिल गया। जब मास मिल गया तो हम इसमें मास की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें hm मिल जाएगा, hm इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.71 इनटू ये वैल्यू मास की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1200 इनटू 10 टू द पावर 3, तो ये hm हो गया 565.48 जूल। फ्रेंड्स ये हमेशा ध्यान रखें कि जो लेटेंट हीट है ये किलो जूल में दी रहती है अधिकतर, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 टू द पावर 3 से जब इसकी वैल्यू लेते हैं। अब एचएस को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं एचएस की क्या वैल्यू आती है। आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर कितना है, आई है 1000, तो आई 1000 का स्क्वायर इनटू आर दिया है 100 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 और टाइम है 0.2 सेकंड, तो इसको सॉल्व करते हैं 1000 स्क्वायर इनटू 100 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 इनटू पॉइंट, ये आ गया। तो फ्रेंड्स इसमें जो आई है वो 10000 एम्पीयर है, यहाँ पर जो आई है वो 10000 एम्पीयर है, 10000, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 10000 स्क्वायर इनटू 100 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 इनटू 0.2, 2000 आएगी इसकी एचएस की वैल्यू। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 2000 माइनस 565.48 डिवाइड बाय 2000 माइनस 565.48 डिवाइड बाय 2000, तो ये आ गया परसेंटेज 0.71.72। तो फ्रेंड्स इस तरह इसी तरीके से हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या दिया है क्या निकालना है, फिर उसके बाद गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे और फिर ऐसे कोरिलेट करके हमें इनकी वैल्यू निकालना है। तो हम अगले लेक्चर्स में और गेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।